नमस्कार, अर्बन एजेंडा में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह हम शहरों के विषयों में बात करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे पानी के सवाल को लेकर। केप टाउन पिछले वर्ष ड्राई हो चुका है, वहाँ पानी नहीं है। हमारे देश के अंदर 21 ऐसे शहर हैं जो आने वाले एक साल में 2020 में कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल पानी नहीं बचेगा उन पर। और चेन्नई में हमने अभी देखा है, मद्रास के अंदर, जहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए भी मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहीं पर चेन्नई में पिछले कुछ सालों में फ्लड हुआ था। मुंबई में फ्लड है, चेन्नई में ड्राई है, दिल्ली के आसपास मेरठ में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में एक साल के अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं हम? और अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किसने मेरे से पूछा, क्या आने वाले समय में पानी राशन में खरीदना पड़ेगा, राशन की लाइन में, जैसा हम केप टाउन में देख रहे हैं। इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और खासकर एक ऐसी चिंगारी जो हम बेंगलोर में देख रहे हैं रेन वाटर मैन के नाम से, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं इस पर एक ये रिपोर्ट। फिल्म स्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने यह तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर की, वो ट्रॉल होने लगी। विरोध करने वालों का कहना था कि चेन्नई में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और सौंदर्या अपने बेटे के साथ स्विमिंग पूल के मजे ले रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई के तकरीबन सभी अस्पतालों में पानी लगभग खत्म हो चुका है, लिहाजा अस्पतालों को निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी की किल्लत सिर्फ चेन्नई में ही नहीं है, देश भर के ज्यादातर इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं। वहीं देश में एक तबका ऐसा भी है जिसे पानी की तंगी का जरा भी सामना नहीं करना पड़ता। एक एक दिन चल जाता है, रात को 3 बजे से बैठते हैं हम, तो पानी लोगों किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है पीने को। ना सरकार कुछ कर रहे हैं, ना कोई कुछ कर रहे हैं, बस ये चाहे टैंकर एक लाके रख देते हैं, वो भी खराब वाली। बड़े बड़े लोगों ने आगे का सामने वाले आके देख लेते और उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जून वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एवरीवन आर वेटिंग फॉर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओनली ऑन अल्टरनेट डेज वी आर गेटिंग वाटर। देश भर में पानी का संकट इतना गंभीर होता जा रहा है कि पीएम मोदी को अपने रेडियो कार्यक्रम में भी इसका जिक्र करना पड़ा। जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। पीएम मोदी जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगले 2 साल में दिल्ली से पानी की समस्या खत्म करने के दावे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि दिल्ली में 1100 मिलियन गैलन की मांग के मुकाबले सिर्फ 900 मिलियन गैलन पानी ही सप्लाई हो पा रहा है। यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है, महीने में ना 2 बार पानी आता है यहाँ पे, और 400 लीटर पानी मिलता है 15 दिन के अंदर। मिलता नहीं है, 15 दिन पर 10 दिन पर पानी मिलता, कैसे गुजारा करेंगे हम? यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं कि बेइंतहा परेशान हैं पानी की वजह से। देश भर में पानी की एक किल्लत अनायास ही पैदा नहीं हो गई, इसका सीधा रिश्ता खत्म होते जंगलों और आबादी वाले इलाकों में पेड़ों की कटाई से है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शहरों के पुनर्निर्माण के नाम पर पेड़ों की तेजी से कटाई हुई है। पेड़ों के काटने की वजह से भूजल का स्तर तेजी से घटा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार जंगलों को बचाए बिना पानी का संरक्षण कर सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इसी विषय पे हम लोग अपनी बात करेंगे। और अगर आप शहरों की बनावट को देखेंगे तो शहरों में एक मास्टर प्लान नाम की चीज़ होती है, और मास्टर प्लान वो है जो कि सिर्फ लैंड यूज़ नहीं तय करता है, वो ये भी तय करता है कितनी ओपन स्पेसेस रहेंगी, मतलब कहाँ पर पानी जज्ब होना चाहिए, ज़मीन में जाना चाहिए, और ये पूरा वाटर टेबल को बचा कर रखती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मास्टर प्लान में पूरे देश के अंदर, खासकर दिल्ली में भी, बहुत बार छेड़छाड़ हुई है रियल एस्टेट के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से पूरा उसमें तब्दीली की गई है, और हम ये जो ओपन स्पेसेस हैं इसकी कमी देख रहे हैं। और गुड़गांव में तो हमने यहाँ तक देखा कि जो एक आर्टिफिशियल झील बननी थी, खासकर सेक्टर 22 में, वो आर्टिफिशियल झील को बदल कर वहाँ रियल एस्टेट को लाया गया है। अगर ये समस्या है तो
इसका हल क्या होगा, इसका हल हम किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिर्फ बरसात का ना आना या बरसात का डिले होना है, या ये खासकर हम लोगों द्वारा क्रिएट की गई है? इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे बीच में पैनलिस्ट हैं अमीना शेरवानी जी, जो कि अपना मतलब वाटर एक्टिविस्ट नहीं है, वाटर वॉरियर हैं। अमीना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और रमन जी हैं, जो कि वाटर एक्टिविस्ट हैं, वाटर कंसल्टेंट हैं और पानी पे काफ़ी बड़े विशेषज्ञ हैं जाने माने हिंदुस्तान के अंदर। और फ़ोन पे हमारे साथ हैं विश्वनाथ जी, जो कि हमको देख नहीं सकेंगे लेकिन हम उनसे फ़ोन पे बात करेंगे। विश्वनाथ जी वो हैं जो कि रेन वाटर मैन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि कोई इंद्रदेव, लेकिन वो ये हैं जो 1 मिलियन वेल्स का टारगेट लेकर, मतलब 10 लाख कुएँ बना रहे हैं बेंगलोर के अंदर खोद कर, ताकि बारिश का पानी उनमें जा सके। और वो भी लाइव हमारे साथ हैं। विश्वनाथ जी आपका बहुत स्वागत है, रमन जी आपका भी बहुत स्वागत है। रमन, सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आपने देखी हमारी रिपोर्ट भी देखी, और ये सिर्फ रिपोर्ट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत भयानक स्थिति हो रही है। शायद जो हम दिखा रहे हैं उससे भी ज़्यादा भयानक है। 15 दिन में एक बार पानी आ पाना, सिर्फ 400 लीटर पानी मिलना, और कुछ जगह पर इनइक्विटी भी है। तो आप मोटा मोटी कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे शहर किस ओर जा रहे हैं, और एक्चुअली पूरा क्राइसिस है क्या ये? ये इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि भले ही आजकल पानी के बारे में हम लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा देरी से ये बात शुरू हुआ है। देरी से क्यों? इसलिए कि ये जो बातचीत थी, इन चीज़ों को हम लोग पहले से समझ सकते थे, पहले से हमारी संज्ञान में था, लेकिन सारी तैयारी होती, इसलिए मैं उसको एक गवर्नेंस और जो रेगुलेशन की तौर से और नीतिगत मुद्दों की तौर पे इसको पहले रखना चाहता हूँ। देखें तो हम 40 करोड़ से 60 करोड़ की शहरी आबादी में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय अभी नहीं है, मतलब आने वाले कुछ 4-5 साल के अंदर हमारी शहरी आबादी कुछ 50% बढ़ जाएगी। और हमारी जो आज की तारीख में 135 लीटर प्रति व्यक्ति की हिसाब से लगभग जरूरत है पानी की, जो हमारी सप्लाई है लगभग 70 के आसपास है, मतलब लगभग आधे की सप्लाई हम आज की तारीख में दे पा रहे हैं आप, मतलब एवरेज की तौर पे यदि देखें तो। और उसमें भी शहरों में आमतौर पे यह धारणा बनती है कि शहरों में सरफेस वाटर पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, लेकिन बात पूरी ऐसी नहीं है। लगभग आधी जो डिपेंडेंस है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर भी है, और जो हमारी लेक्स है, हमारी रिवर्स है, जो बाहर से जो आने वाले पानी जो शहरों के अंदर आता है, कुल मिलाकर के पानी को पूरी तरीके से योजना बनाते हुए, आपने मास्टर प्लान की बात बताया, एक तो कंजर्वेशन की बात होती है, एक सप्लाई की बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, और ओवरऑल पानी की जो मैनेजमेंट है उसकी बात होती है। यदि हम देखें तो शहरों में केवल 33% वेस्ट वाटर को ही हम ट्रीट कर पा रहे हैं, लगभग मतलब 2/3 जो पानी है वो मतलब 70% पानी, आप समझो हम वापस जो है पानी की, तो बुनियादी ये भी बहुत सवाल है अगर शहर को बचाना है। जी जी जी। और पाइप्ड वाटर सप्लाई को यदि हम देखें, लोगों को केवल 50% लोगों को पाइप वाटर सप्लाई मिलता है, बाकी लोगों को टैंकर या अन्य माध्यमों से मिलता है। और इक्विटी की बात आपने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, जिसमें ये देखें तो लगभग 120 लीटर पर कैपिटा जो है जाता है, कुछ लोग उसकी आधे में, लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग उसकी आधे में गुजारा करते हैं, और लेकिन कुछ ऐसी 10% है, आपने वो ट्विटर तो शुरू में दिखाया ही था, तो 10% के करीब लोग हैं जो करीब करीब 350 लीटर प्रतिदिन उपयोग करते हैं, कुछ लोग और भी होंगे इससे भी बड़े। हमने देखा लटेंस दिल्ली में और कैंट दिल्ली में ये करीब 600 लीटर है, 600 जी, पर जी, 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 जी। आपने केपटाउन की जिक्र किया था, मैंने अपनी पढ़ाई वहां से किया। ओके। तो केपटाउन के अंदर जो है सरकार की और जनता की मिलके पानी की किल्लत को समझते हुए काफी महत्वपूर्ण कुछ कदम उठाया जा रहा है। और हमारे देश में भी एक तो नीतिगत मुद्दे होने, जो इसमें सवाल होनी चाहिए और उसमें कदम होनी चाहिए, और साथ साथ एक नीतिगत होना चाहिए, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेटरी जो मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और सिटीजन्स कलेक्टिव्स और सिटीजन्स इनिशिएटिव्स जो अवेयरनेस के ही बात से केवल नहीं बनेगा, समस्या संकट बहुत बड़ी है लेकिन उसकी समाधान क्या होगा उसमें सारे जो जनता सरकार सब मिलकर के क्या कर सकते हैं उस तरफ जाने की जरूरत है। और जो दूसरी ओर से हमारी जो पानी को एक तरफ से हम ये भी बताएंगे कि पिछले जो 30 साल की इतिहास को देखें, पानी को एक शेयर्ड रिसोर्सेस की तौर से, कमोडिटी की तौर पे जब से बदला गया है, डिप्लीशन का उससे भी जुड़ा हुआ, वॉशिंगटन बेसिकली वो फॉर्मूला है कि वाटर, हमने पहले भी बहस की
थी, वाटर जरूरत है या नीड है? तो बोले नीड है, कोई भी जरूरत पूरी कर सकता है, प्राइवेट कैपिटल भी आकर कर सकता है। या प्लीज आप, तो जब से ये जो सवाल आ रहा है कि आपका जो बॉटलिंग की जो बात हो रही है, और इसका तो एक तरफ से एक बात जरूरत है कि रेगुलेशन की तरफ उसकी सही प्राइसिंग होनी चाहिए, उसके उपयोग को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन उसको एक मुनाफा बनाने वाली जो तौर पर जब ले जाते हैं उसमें सवाल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये बातें, और जो इस साल की एक सबसे अच्छी बात है कि पानी चर्चा में है, लेकिन चर्चा से हम उसकी समाधान की तरफ कहां तक ले जाएंगे वो सवाल हमारे सामने। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम दोबारा आपसे डिस्कशन में आएंगे। अमीना, आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप जो सिटीजंस कलेक्टिव की बात कही, आप तो सिटीजंस कलेक्टिव का पार्ट हैं, और आपने बहुत कमाल का काम किया है गुड़गांव में, जहां पर हमें मालूम हुआ है कि आपने मैपिंग की है पूरे गुड़गांव शहर की, कहाँ कितना पानी है और पुराने जमाने में कहाँ पानी आता था, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, और क्या आपकी गिला है, क्योंकि ये काम करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है गुड़गांव में। मतलब सबसे अगर जो प्राइवेट डेवलपर अगर हम कहें, और पूरा मॉडल सिटी थी गुड़गांव होना चाहिए था, लेकिन गुड़गांव ये है कि बादल आने के बाद भी लोग प्रेयर करते हैं कि बारिश ना हो, बारिश होगी तो पूरा फ्लड हो जाएगा। जी, अब तो ये आलम है हमारा कि बारिश हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। पानी जब आता है तो हमारे शहरों में, गलियों में, घरों में, और जो अंडरपास इतने करोड़ों रुपयों के बने हैं वो बिल्कुल घातक रूप से उनमें पानी भर जाता है। लोगों की मौतें भी अब उसमें होंगी, भगवान ना करें कि ना हो, मगर मुझे तो लगता है कि होंगी। और दूसरी तरफ पे हमारी झीलें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं, सुल्तानपुर सूख चुकी है, दमदमा सूख चुकी है, धौज सूख चुकी है, हमारी ये सारी झीलें आप दिल्ली के आसपास बता रहे हैं? ये गुड़गांव में, गुड़गांव में, ये गुड़गांव में ये सब झीलें, तो गुड़गांव में 5-6 झीलें गिना दी आपने। जी जी, घाटा झील अभी तो मिलती नहीं है, अभी तो मिलती नहीं है, अभी वो खत्म है। उन झीलों के अंदर वो सूख चुकी है, उनमें मलबे डाल दिए गए हैं, कचड़े भर दिए गए हैं, और बिल्डरों ने आके उन सूखी झीलों के अंदर उनके चारों तरफ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, और भारत की जो महान जनता है वो उनमें खरीद भी रही है अपने घर। रिटेनिंग वॉल्स बन रही हैं ऊंची ऊंची, क्योंकि जो घाटा झील थी उसके अंदर आईरियो जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स ने अपनी बिल्डिंग बनाई है, जिसमें हम सुनते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के भी शेयर्स हैं, जरूर होंगे। तंबखत पानी का रास्ता तो छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि पानी के बगैर आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बिल्कुल जीरो पे हो जाएंगी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, थोड़ा आप अपने काम के बारे में बताइए जो आपने वहां मैपिंग की। क्या किया जब हम गुड़गांव में थे? असल में 1985-86, 82-83 में मैं जब स्कूल में हुआ करती थी, तो हम रॉक क्लाइंबिंग के लिए धौज में आया करते थे, इतनी बड़ी विशाल झील थी। फिर 1988 में मैंने एक फिल्म मेकिंग कंपनी ज्वाइन की, उस वक्त हमने फौजी टीवी सीरियल बनाया था जिसमें शाहरुख खान को आपने लॉन्च किया था। जी जी, हम लोग ने लॉन्च किया था, उसकी सारी शूटिंग हमने छुप छुपा के वही धौज झील के चारों तरफ की थी, सारे वॉर सीक्वेंसेस दिखाए थे। इतनी गहरी वो झील थी कि शाहरुख उसमें डूबते डूबते बचे थे, हमने कहा था अरे गिर जाओ, ऊपर से गोली लगी है। अब अगर आप शाहरुख को लाएंगे तो वो झील कहां मिलेगी? वो झील है ही नहीं, अब वहां पर झील का ढकोसला हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को पंप करके झील में भरा जा रहा है। यानी झीलें हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती है, और हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब लाइफ सपोर्ट पर है। नहीं, आपने जो ये हाल हमने अपनी झीलों का आप थोड़ा मैपिंग बताएं, फिर हम ब्रेक पे जाना चाहेंगे। क्योंकि मेरा बचपन से मेरा वास्ता था इन झीलों से, मैं इनको बहुत प्यार करती थी। मेरा काम काज की भी, मेरे प्रोफेशन की भी शुरुआत यहीं पर हुई। मैं छोटा सा 2 दिन का बच्चा लेकर आई थी यहाँ पर अपना शूटिंग, तो मैं तो दिल से जुड़ी हुई थी। जब मैंने इनको गायब होते हुए देखा तो मैं समझ नहीं पा रही, मैं कहा बारिश तो उतनी हो रही है, ये जा कहाँ रहा है पानी? तब हमने मैपिंग करनी शुरू की, तो जो पुराने, बहुत ही पुराने प्राचीनतम रास्ते थे पानी के, जिनको हम पेलियो वाटर चैनल, वो धरती में पानी ने तराशे थे उनको, यानी धरती ऊंची नीची होती है, मानव के आने से भी पहले के रास्ते हैं वो। मानव और जानवरों इन सब के आने से पहले जब धरती फॉर्म हो रही थी, उस वक्त जब बरसात होती थी तो वो बरसात इन रास्तों को तराशा करती थी। ये रास्ते पक्के हो, मतलब पक्के यानी अब बहुत अच्छे हो चुके थे, झीलें हमारी स्वस्थ हो गई थी। 30 बरस पहले इतनी, मैं बता रही हूँ अपने आप, इतनी गहरी झील थी कि डूबते डूबते मर गए हम लोग उसमें। तो ठीक है, आपने वो मैपिंग जो की है उसका क्या रिजल्ट है? उस मैपिंग में हमको पता चला है कि धीरे धीरे इन पानी के रास्तों के ऊपर, अरे भाई इधर बना लो, उधर बना लो, यहाँ बना लो बिल्डिंग्स को बिल्कुल इनके ऊपर, क्योंकि ये पानी के रास्ते किसी की पानी खत्म करना, यानी लोगों की जान पर आप हावी हो रहे हैं। यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आपको मालूम है चैनल की हमारी लिमिटेशन है। और विश्वनाथ जी आप भी प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग आपसे पूछना
चाहेंगे। मैं जानबूझ के आपके पास बाद में आना चाहूंगा इनको सुनने के बाद, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उसको हम देखना चाहेंगे। इस ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पानी के संकट को, खासकर शहरों के अंदर, गांव में भी हम जानते हैं बहुत संकट है, लोग अपने बुजुर्गों को छोड़कर गांव से पलायन कर रहे हैं शहरों में, लेकिन शहर सूखे होने वाले हैं और इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें अमीना जी हैं और रमन जी ने बात की। विश्वनाथ जी को आप कनेक्ट करेंगे प्लीज़, ताकि हम लोग उनसे बात करें। और विश्वनाथ जी वो हैं, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जो रेन वाटर मैन के नाम से बेंगलोर में जाने जाते हैं। मैं उनसे मिला हूँ पिछले दिनों कोची के अंदर। वो 1,000,000 कुएं खोद रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि बैंगलोर में कम से कम वो भयावह स्थिति नहीं होने वाली है जो चेन्नई में हुई है। विश्वनाथ जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चर्चा के बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं रेन वाटर मैन नहीं हूँ। जैसे एक फिल्म आई थी देवानंद की गाय, लोग मजबूर करते हैं कि देवानंद अनशन पे बैठ जाए ताकि बारिश आए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे घर के आगे लोग बैठ जाए कि आप बारिश लाइए और पानी का समाधान देखिए। लेकिन ये तो मजाक की बात हो गई। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बैंगलोर जो शहर था ये तालाब और कुओं का शहर था। करीब 10,000 से ज्यादा कुएं थे, लेकिन 1896 में ये शहर कुछ 20-25 किलोमीटर दूर पहुंच गया। एक बड़ा सा डैम बनाया, वहां से पानी लाने लगा और नलों में बांटने लगा पानी। तब से हम तालाबों के बारे में और कुओं के बारे में भूलना शुरू किए। 1980 में बोरवेल आ गया, तो बोरवेल आने के बाद तो हम कुओं को पूरी तरह भूल गए। लेकिन एक समुदाय है बैंगलोर शहर में जिनका नाम मंडू अड्डर है, जो करीब 500-600 सालों से कुएं बनाए हैं, बनाए जा रहे हैं और अभी भी बनाते हैं। उनके पास आजकल काम नहीं है, तो मेरी ये कोशिश है कि इस समुदाय के साथ हम जुड़े और 1,000,000 जो रिचार्ज वेल है वो बनाए शहर के लिए, ताकि जो बारिश गिरता है शहर पे उसे हम पकड़े, फिल्टर करें और भूमि के नीचे छोड़ दें। हमारा ये मानना है कि करीब जो 970 मिलीमीटर बारिश होती है बैंगलोर पे, उसका आधा भी परसेंट यानी 50% भी हम रिचार्ज के लिए इस्तेमाल कर ले तो बैंगलोर की पानी की समस्या नहीं होगी। और ऊपर से ये जो मनुवटर समुदाय है, ये 750 या 1,000 कुटुंब होंगे, 1,000 फैमिलीज हैं, इनको भी नौकरी मिल जाएगी, लाइवलीहुड मिल जाएगा, और लाइवलीहुड के जरिए हम वाटर सिक्योरिटी खोजेंगे बैंगलोर की। ये कोशिश है हमारे 1,000,000 कुओं के साथ। विश्वनाथ जी अभी कितने बना पाए हैं आप लोग, मतलब अभी कितने बन पाए हैं और उसका कुछ मतलब कुछ रिजल्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल, जैसे आज शाम को आप जब बात कर रहे थे तो एक फोटो पहुंचा मुझे दुमलूर से। ये कुएं बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये 3 फुट डायमीटर के होते हैं और 20-30 फुट गहरे होते हैं। छत पे जो पानी गिरता है उसको फिल्टर करके हम इन कुओं में छोड़ देते हैं। करीब 1,00,000 ऐसे कुएं बन चुके हैं और आज शाम की बात है, हमें 15 फुट पानी मिल गया कुओं में। जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ग्राउंड वाटर पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन कई इलाकों में कुओं में भी अब भी पानी है। हमारा मानना है कि 10,000 से 20,000 कुओं में अभी भी पानी है, तो 15-20 फुट पे है। और यदि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक ढंग से करें तो हमारा ये मानना है कि 10,00,000 कुओं में भी पानी हो सकता है, मिल सकता है। ओके विश्वनाथ जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये है, ये तो आप बहुत ही इंडिविजुअल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल भी है, काम भी है, आप क्या समझते हैं कि बड़ा लैंड मास जो हम देखते हैं शहरों में वो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो क्या गवर्नमेंट को भी इसी तरह से मतलब कुएं खोदना या रेन वाटर हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ताकि वो एक सेट कर सके पूरा एग्जाम्पल पूरे शहर के लिए? तो ऐसा है कि हम लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जैसे कब्बन पार्क नाम की बड़ी सी पार्क है बैंगलोर शहर में, वहाँ पे हम लोगों ने 7 कुओं को फिर से हमने पुनर्जन्म दिया, डीसिल्ट किया और उसको वापस लाया, और वहाँ 64 रिचार्ज वेल बना रहे हैं। वैसे लालबाग नाम करीब 200 रिचार्ज वेल बनने जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और लॉ भी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और रिचार्ज वेल बनाएं। तो हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ के एक पीपल्स मूवमेंट, जिसमें लाइवलीहुड भी जुड़ा हो,
इस तीनों को मिला के हम समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं बैंगलोर के अंतर्जल के साथ। थैंक यू। आई थिंक बैंगलोर एक पूरा हमें एक आई ओपनर भी दिखा रहा है और हम बहुत सक्सेस विश करते हैं उनको कि वो कामयाबी हासिल करें। हालांकि 10% अभी बन पाए हैं, जैसा वो कह रहे हैं 1 लाख के आसपास अभी 90% बनने हैं, लेकिन बन सकते हैं और ये बहुत बड़े कुएं नहीं हैं, छोटे हैं जो कि काफ़ी सफिशेंट हैं एक फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। रमन जी, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और अगर आपसे क्विकली हम एक मिनट और फिर हम क्योंकि अमीना जी से पूछना चाहेंगे, ये जो पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने सुना अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कि कैंपेन के रूप में देखा जाए, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए स्टेट का, ना कि सिर्फ ये विश ऑफ करके लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए? स्टेट की जिम्मेदारी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी भी स्टेट को उसको लीड लेकर के करनी चाहिए। और जो पानी की जो मसला है, केवल डर पैदा करने के लिए ही नहीं बात हो, बल्कि उसमें क्या ऐसे एक्शन हो सकता है, तो हमारी जो पॉलिटिकल विल जो उसमें दिखना चाहिए, उसमें एक महत्वपूर्ण बात तो अभी अच्छे से दिख रहा वो ये है कि इस पे चर्चा पे मुद्दा पे जो है महत्वपूर्ण तौर पे हो रहा है। अब उसके साथ साथ हमारी जो कानून व्यवस्था और जो आर्थिक व्यवस्था दोनों उसकी बराबर में ला करके हम लोग और जो काम उसका कर मतलब रहे हैं, क्या है जो आप कानून व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का मतलब क्या मतलब है? इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम जो बनानी चाहिए वो इस तरीके से हो कि हम जो जरूरत से ज्यादा उपयोग को किस तरीके से रोक सकते हैं, वो एक बात है। और जिनके पास एक्सेस नहीं है उनकी तक एक्सेस, जैसे हमारे ही एक स्टडी कह रहा था कि करीब 17 करोड़ के आसपास लोगों को घर के पास में पानी मिल नहीं रहा, तो उन पे फोकस करते हुए हम क्या कर सकते हैं, और जो अधिक उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनको कम करने की क्या तरीका होंगे, ये एक रेगुलेशन की एक मेजर काम है। वो साथ साथ जो बजट्स की जो है शुरुआत के तौर पे जो है अभी हम देखें इस साल की जो बजट है जितना चाहिए होगा उसकी मतलब जो इस चीजों के लिए खर्च करने तो वो भी डिमांड रखने की जरूरत वो ज्यादा करने की जरूरत है। आई थिंक अमीना आपसे हम लास्ट वर्ड लेना चाहेंगे क्योंकि ये बात है कि अभी दिल्ली पहुंच रहा है मेरे स्टेट में, मैं हिमाचल से हूं तो वहां से पानी लाने की तैयारी हो रही है, फिर उसके बाद ना जाने वो चीन के बॉर्डर पर जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और जो पूरी हमारी डिस्कशन से आ रहा है वो वहीं पर अगर पानी को संजोएंगे, जैसे सिर्फ 30% ही वो कर लेंगे तब भी बहुत कुछ हो सकता है। और आपने मॉडल बनाकर दिखाया है पुराना जो हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग आपने की है, आप कैसे देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, क्या ये सिर्फ खाली रिटोरिक है, मतलब सिर्फ बयानबाजी है या कुछ ग्राउंड पे नजर आ रहा है? प्लीज, जुमलेबाजी है। अभी मोदी जी ने कचड़े का जिक्र किया, गुड़गांव में 1100 टन कचड़ा रोज उत्पन्न हो रहा है और उसको सिर्फ अरावलियों में पटका जा रहा है और उस इलाके में जहां हमारा वाटर रिचार्ज जोन वो पूरा मतलब तो यानी कुछ इन लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास न करें। कचड़े के पहाड़ अभी तक हैं और वो और बड़े हो रहे हैं और अरावली को देने की तैयारी हो रही है। मोदी जी जितनी बात करेंगे कचड़े के बारे में वो सारा पैसा उनके इश्तेहारों में खत्म हो जाता है और लाल पीली रंग की डस्टबिन खरीदने में खत्म हो जाता है, मगर कूड़े को सेग्रीगेट करके उसको कंपोस्ट करने में एक पैसा नहीं खर्च। हम पानी पे दोबारा आते हैं तो पानी का भी वही हश्र होने वाला है जो इन्होंने कूड़े का किया है। सिर्फ बातें होंगी और मैं तो चिंतित हूं कि बातें शुरू हो गई हैं। मैं ये डर रही हूं कि जो थोड़ा बहुत काम छोटे छोटे कुओं के माध्यम से हो रहा था, छोटे छोटे कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स को भी सरकार की इंटरेस्ट लेने की वजह से कहीं उनको ये खत्म करके और बड़े बड़े वाहियात अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो कमाई का जरिया हो वो ना लगाने लगे अपने लिए। मैं तो चिंतित हूँ। आई थिंक वो यू गॉट द लास्ट पॉइंट और यही आप कुछ क्लास में कहना चाह रहे हैं? ये था कि कुछ बहुत अच्छे कम्युनिटी लेवल इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है, जैसे गुड़गांव में गुड़गांव वाटर फोरम बनी है जिसमें हर तरीके की लोग एक साथ मिलकर के क्या किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी मॉडल बनाया है, वो मॉडल कर रहे हैं वाटर क्वालिटी। लेकिन अमीना जी की बात ठीक है कि ये ना हो कि ये पूरा खत्म करके आप पूरा एक बड़ा बिल्डर लॉबी को लाके, नेताओं के हाथ में कोई चीज आती है तो वो बस बयानबाजी में और वो खत्म हो जाती है, वो होती नहीं। आई थिंक आप सबका बहुत धन्यवाद। आई एम सो सॉरी, मेरे पास आई एम रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आज हम इस डिस्कशन को यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये बात सही है, चिंता बहुत जरूरी है और फेयर होना भी बहुत जरूरी है। और ये कि ये राशन में मिलने वाली जो बात कही है, जो मैंने किसी से बोरो किया है ये फ्रेज अभी थोड़ी देर पहले, ये एक्चुअली भयानक स्थिति है। केप टाउन की स्थिति चेन्नई में देख रहे हैं, चेन्नई की जो स्थिति है वो और शहरों में ना जाए, इसके लिए कम्युनिटी ड्रिवन भी बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जैसा रमन जी ने कहा, पॉलिसी के लेवल पर, पॉलिटिकल विल के लेवल पर यह हासिल किया जा सकता है। आखिरकार भविष्य जो है वो सुनहरा होना चाहिए, ना कि भविष्य भयावक होना चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीक हम लोग नए विषय के साथ डिस्कशन को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।